मेरा फेसबुक का पर्सनल एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट है, मतलब बैन है, बट फिर भी मेरा ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस कंसिस्टेंटली मैं रन कर रहा हूँ फेसबुक एड्स के हेल्प से। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आपका एक फेसबुक एड अकाउंट आपके एक डिवाइस के ऊपर, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसके ऊपर, जब भी आपका एक फेसबुक एड अकाउंट कभी भी बैन हो जाता है और उसी डिवाइस के ऊपर अगर से आप सेकंड या थर्ड प्रोफाइल क्रिएट करने जाते हो या फिर एड अकाउंट वगैरह क्रिएट करने जाते हो, तो वो इंस्टेंटली रेस्ट्रिक्ट मतलब बैन हो जाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको एक पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसके हेल्प से आपको बैनिंग से कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका एड अकाउंट बैन हो भी जाता है तो आप जल्दी से एक नया प्रोफाइल क्रिएट करके, नया एड अकाउंट क्रिएट करके उससे आप एड्स रन कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसका एक भी पार्ट मिस मत करना, इसकी एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि यार अगर से आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपका एड अकाउंट जो है, जो भी आप नया वगैरह क्रिएट करोगे या नया आप लॉग इन करोगे, वो 101% बैन होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जिससे आप आपके सेम लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल एड अकाउंट की हेल्प से अपना बिजनेस रन कर सकते हो कंसिस्टेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का एजेंडा बता देना चाहता हूं। तो इस वीडियो में आपको पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फेसबुक हमें बैन क्यों करता है। उसके बाद में हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि फेसबुक आपको कैसे ट्रैक करता है, कैसे उसको समझ जाता है कि इसका इस डिवाइस के ऊपर एक एड अकाउंट बैन हो चुका है, और जैसे ही दूसरा तीसरा एड अकाउंट आप उस पर बनाते हो तो वो उसको भी बैन कर देता है। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे कि कैसे आप फेसबुक के नजरों से बच के न्यू एड अकाउंट बना सकते हो, वो भी विदाउट बैन हुए, स्टेप बाय स्टेप। तो यस, ये हम सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको इंडियन ड्रॉपशिपिंग, ई कॉमर्स और फेसबुक एड्स के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, और वो है कि फेसबुक हमें बैन क्यों करता है। मेनली इसके 2 रीजंस होते हैं, और रीजन नंबर 1 हमारा है फेसबुक एड्स पॉलिसी फॉलो ना करना। जैसे कभी कभी आप लोगों से गलती हो जाती है कि आप बिफोर आफ्टर की इमेजेस आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर डाल देते हो, या फिर बिफोर आफ्टर के क्लिप्स या फिर इमेजेस आप आपके वीडियो एड्स क्रिएटिव के अंदर डाल देते हो, या फिर आप कोई ब्लैक प्रोडक्ट चलाने लगते हो, मतलब सेक्सुअल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, वेट लॉस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, और स्किन के जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स चलाने से भी आपको फेसबुक रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब बैन करता है। और इसके अलावा अगर से आपको फेसबुक की पॉलिसीज बहुत ज्यादा डिटेल में समझने होंगे, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था जहां पर मैंने डिटेल में सारे पॉलिसीज अच्छे से एक्सप्लेन करके रखे थे, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस पॉलिसीज वाले वीडियो को देख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और रीजन नंबर 2 जिसकी वजह से हमें फेसबुक बैन होता है, वो रीजन है बस ही। जी हाँ, सच में फेसबुक कभी कभी ऐसे ही सुबह उठता होगा मेरे ख्याल से और बोलता होगा कि इसकी मुझे बैन करना है, इसको मुझे बैन करता है, सबको मुझे बैन करना है, तो इस तरह से वो आपको बैन कर देता है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके साथ में भी बहुत बार हुआ होगा कि आपने कुछ गलती भी नहीं की, आपने सारे पॉलिसीज भी फॉलो किए, आप व्हाइट प्रोडक्ट्स चला रहे हो, मतलब जनरल होम कैटेगरी के हो गए, किचन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हो गए, बेबी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हो गए, आप ऐसे प्रोडक्ट चला रहे हो और फिर भी आपका एड अकाउंट बैन हो गया। तो यस, इसमें ऐसा होता है कि जो फेसबुक का जो बॉट होता है, ऑफकोर्स आपके जितने भी एड्स, आपके जो जितने भी प्रोडक्ट पेज वगैरह है, वो तो फेसबुक खुद से जाके, उनके जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं वो खुद से जाके तो सब एड्स को रिव्यू नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे मार्केटर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड एड्स चला रहे होते हैं, तो इसलिए उनके अपने बॉट्स होते हैं, जो बॉट्स जाकर आपके प्रोडक्ट पेज को क्रॉल करते हैं, आपके वीडियो एड्स को स्क्रॉल करते हैं, आपका जो मतलब आपने जो प्राइमरी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दिया रहता है उसको स्क्रॉल करते हैं, और कभी कभी बॉट से कुछ गलती हो जाती है जिस वजह से आपका वो एड अकाउंट बैन कर देते हैं, और उन बॉट के चक्कर में आपके दिमाग का पूरा दही हो जाता है। तो ये थे गाइस 2 रीजंस जिसकी वजह से फेसबुक आपको बैन रखता है, इसलिए आपको एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज जितने हो सके उतने अच्छे से फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर से आपका एक फेसबुक एड अकाउंट बैन हो भी जाता है, लेकिन कैसे आप जैसे उस पे सेकंड या थर्ड एड अकाउंट आपके सेम डिवाइस के ऊपर बनाते हो तो कैसे फेसबुक उसको ट्रैक कर लेता है जिसकी वजह से वो भी आपका बैन हो जाता है। तो देखो, इसके भी मेनली 2 रीजंस होते हैं। पहला होता है डिवाइस एंड ब्राउजर फिंगरप्रिंट्स। तो बेसिकली कैसा होता है, आपके पास में एक फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, एक डेल कंपनी का है, कोई तो भी एक मॉडल आपके पास में एक लैपटॉप है, ठीक है, इसके ऊपर आपका एक फेसबुक एड अकाउंट हो गया बैन, तो ये जो आपका लैपटॉप है जिसमें जो आपके ब्राउजर्स है इनकी एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक आईडी मीनिंग एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जो फेसबुक के पास में ट्रैकिंग में नोट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर से आपके पास आपके इस सेम लैपटॉप के ऊपर अगर से आपका एक एड अकाउंट बैन भी हो गया, और आपने अगर से इसी सेम लैपटॉप के ऊपर कोई भी ब्राउजर यूज करके आपने अगर से सेकंड एड अकाउंट ओपन कर लिया या फिर थर्ड एड अकाउंट किसी का और लॉग इन वगैरह कर लिया, तो उसको पता लग जाता है कि जिसको मैंने पहली बार बैन किया था उसी डिवाइस के ऊपर एक सेकंड थर्ड एड अकाउंट लॉग इन का अटेम्प्ट हुआ है, और इसीलिए वो इंस्टेंटली आपके सेकंड थर्ड एड अकाउंट्स को भी बैन कर देता है। तो आप पूछेंगे कि यार इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसके 2 है। पहला सोल्यूशन है कि आप एक नया लैपटॉप परचेस करके लाओ, नए लैपटॉप के ऊपर आप ऑफकोर्स फ्रेश कोई भी अकाउंट वगैरह लॉगिन कर सकते हो और अपनी एड्स रन कर सकते हो, लेकिन यार ये हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है कि हम हर बार नया नया लैपटॉप लाते रहे, क्योंकि फेसबुक बैनिंग तो वैसे ही बहुत होती रहती है, तो आप नया नया लैपटॉप लाते रहो, उतना इन्वेस्ट करते रहो, वो बिल्कुल भी सेंस नहीं करता है। और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास में आता है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स यूज करना हमारे सेम लैपटॉप के ऊपर। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स ऐसे ब्राउजर्स होते हैं जो आपके जो डिवाइस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कंप्लीटली चेंज कर जाते हैं, मतलब
फेसबुक के नजर में आपका डिवाइस नया रहेगा, ना कि सेम जिस पर ऑलरेडी बैनिंग हुए। अब मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट एंटी डिटेक ब्राउजर कौन सा है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखो। अब रीजन नंबर टू जिसकी वजह से फेसबुक आपको ट्रैक कर लेता है वो होता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब आपका इंटरनेट का एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके इंटरनेट का। जैसे मान के चलो आपके डिवाइस के ऊपर आपने एक पर्टिकुलर आपका एक आपके पास में वाईफाई है उसको यूज करके आपने आपका एड अकाउंट वगैरह चला रहे थे और वो हो गया बैन। तो अभी आप नेक्स्ट इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एंटी डिटेक ब्राउजर भी डाल दिया या फिर आपने और कोई ब्राउजर यूज करके सेम इंटरनेट कनेक्शन के हेल्प से आपने नया एड अकाउंट वगैरह लॉग इन करने का ट्राई किया तो उसको समझ जाएगा कि इस इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर तो मैंने पहले का एड अकाउंट बैन करके रखा था और ये अभी जो भी बंदा है ये सेम इंटरनेट कनेक्शन यूज करके सेकंड या थर्ड एड अकाउंट लॉग इन करने का ट्राई कर रहा है, अपना बिजनेस फिर से रन करने का ट्राई कर रहा है, तो वो आपको उसको भी बैन कर देगा। इसलिए आप सेम आईपी एड्रेस के हेल्प से आप मल्टीपल एड अकाउंट्स यूज नहीं कर सकते हो। तो गाइस आईपी ट्रैकिंग वाले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या चीज हो सकती है वो होता है एक न्यू इंटरनेट कनेक्शन ले लो। लेकिन यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर बार आप नया नया वाईफाई लेते जाओगे, तो इसीलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका आता है प्रॉक्सी परचेस करके अपने एड अकाउंट्स को सेटअप करना। तो प्रॉक्सी का वर्क क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक लैपटॉप है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, और फेसबुक ने उसको ट्रैक कर लिया है, तो ऑफ कोर्स आप ये इंटरनेट कनेक्शन यूज करके अगर से आप एड्स नया कोई एड अकाउंट अगर लॉगिन करोगे तो उसको फेसबुक बैन ही करेगा। तो इसलिए हम लोग प्रॉक्सी परचेस करते हैं जो बीच में आ जाती है और उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है अलग से। फेसबुक की नजर में आप अपना इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हो, आप वो नया जो परचेस प्रॉक्सी है उसका इंटरनेट आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो, तो इसलिए फेसबुक आपको ट्रैक ही नहीं कर सकता और इसलिए आपका एड अकाउंट जो होता है वो बैन नहीं होता है अगर से आप प्रॉक्सी यूज करते हो एंटी डिटेक ब्राउजर के साथ में। तो अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर कि कैसे आप आपके सेम लैपटॉप के ऊपर एंटी डिटेक ब्राउजर्स यूज करके और प्रॉक्सी यूज करके मल्टीपल एड अकाउंट सेटअप कर सकते हो, कौन सा एंटी डिटेक ब्राउजर बेस्ट है, कौन सा प्रॉक्सी परचेस वाला साइट बेस्ट है। तो गाइस देखो एंटी डिटेक ब्राउजर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो लॉगिन। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी डिटेक ब्राउजर है जिसके हेल्प से फेसबुक से बचकर आप मल्टीपल एड अकाउंट्स एक ही डिवाइस के ऊपर सेटअप कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर आप आपके वर्चुअल लैपटॉप बना सकते हो, मतलब आपके फिजिकल लैपटॉप के अंदर वर्चुअल लैपटॉप, मल्टीपल लैपटॉप और हर एक लैपटॉप के अंदर प्रॉक्सी के हेल्प से आप अलग अलग प्रोफाइल्स लॉग इन कर सकते हो जिनके आप एड अकाउंट्स वगैरह यूज कर सकते हो अपने मल्टीपल स्टोर के लिए या फिर सिंगल स्टोर के लिए। गो लॉगिन यूज करने से आपका फेसबुक बैनिंग का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है, बट यस आपको ये प्रॉक्सी के साथ में यूज करना पड़ेगा और फेसबुक के एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आगे वीडियो में मैं आपको गो लॉगिन का पूरा सेटअप बताने वाला हूं, फेसबुक प्रोफाइल्स वगैरह सेटअप बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में यहां पर आप ये रेट देख सकते हो, ये ईयरली भी रेट है इनके और यहां पर मंथली भी रेट है, लेकिन एक खुशी की बात ऐसी है कि आपको इन पूरे रेट्स के ऊपर 40% ऑफ का डिस्काउंट मिलने वाला है। एक्चुअली ये वाला जो वीडियो मैं 2 हफ्ते पहले ही डालने वाला था लेकिन मैं गो लॉगिन की टीम से कनेक्ट कर रहा था ईमेल के थ्रू कि यार मुझे कोई डिस्काउंट कोड दे दो जो मेरे मैं सब्सक्राइबर्स को दे सकूं जिनसे उनको कुछ अमाउंट ऑफ मिले, क्योंकि $50 वगैरह जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा मंथली हर मंथ पे करना थोड़ा ज्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये पूरे 2 हफ्ते के प्रोसेस के बाद में, पूरे 2 हफ्ते के मेहनत के बाद में, उनके साथ में कंटिन्यू मेल्स के ऊपर लगने के बाद में मुझे 40% ऑफ का डिस्काउंट कोड उन्होंने दे दिया है। तो वो 40% ऑफ के डिस्काउंट कोड के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और मैं आपको वीडियो के एंड में एक लिंक भी देने वाला हूं जिसके ऊपर जाकर आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप जब भी चेकआउट करोगे तो वहां पर आपको 40% ऑफ का कूपन कोड लगा के आपको 40% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्रॉक्सी की अगर बात करें तो प्रॉक्सी के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है गाइस proxysforint.com। इसमें पहले आपको KYC करनी पड़ेगी, उसके बाद में यहां पर आपको लोकेशन प्रॉक्सी पे क्लिक करके इंडिया सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रॉक्सीज परचेस करना है। जैसे आप अगर 10 प्रोफाइल्स अपने लैपटॉप पे सेट करना चाहते हो तो ये PFR 10, 50 करना चाहते हो तो PFR 50 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप ये एंटी डिटेक ब्राउजर्स यूज करके और आईपी प्रॉक्सीज यूज करके आप मल्टीपल एड अकाउंट्स आपके एक ही लैपटॉप के ऊपर सेटअप कर सकते हो और बैनिंग से बच सकते हो। तो 40% ऑफ के ऑफर को पाने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो आपको यहाँ पर ऐसे पुट करनी है या फिर आप उस पर सीधा क्लिक कर सकते हो, क्लिक करते ही आपको एंटर करना है, ठीक है। अब जैसे ही अभी आप इस लिंक पर जाओगे तो आपको यहाँ पर पहले गो लॉगिन पर एक आपका साइन अप करना है, तो आप गूगल के ऐप से कर सकते हो या फिर ईमेल डालकर अपना पासवर्ड वगैरह सेटअप करके भी अब आपका एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपका साइन अप हो गया उसके बाद में आपके सामने कुछ एक ऐसा टाइप का आपके सामने ब्राउजर खुलेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको यहाँ से विंडोज, अगर से आपका जो भी डिवाइस है, ठीक है ना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज है तो विंडोज के हिसाब से आपके डाउनलोड कर लीजिए, लिनक्स है तो लिनक्स, मैकओएस है तो ये या फिर ये तो ये, ठीक है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप इनका जो एप्लीकेशन ने गो लॉगिन का वो अपने पास में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसे टाइप का इनका एक इंटरफेस खुलेगा जो कि आपके सामने एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। अभी इसके अंदर कैसा होता है, इसके अंदर भी हमें प्रोफाइल्स सेटअप करनी पड़ती है। प्रोफाइल्स मतलब फेसबुक प्रोफाइल्स नहीं, गो लॉगिन की प्रोफाइल्स, ब्राउजर प्रोफाइल्स हमें यहां पर सेटअप करनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल वे है गाइस, यहां पर आपको
ऐड अ क्विक प्रोफाइल का ऑप्शन है, बस आप इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक जो है गो लॉगिन का जो प्रोफाइल होता है वो खुल जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद में यहां से आपको इस तीन डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स के ऊपर जाना है। अब आपका ये जो गो लॉगिन का जो प्रोफाइल है इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो, यूजुअली मैं वो रखता हूँ जो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में लेने वाला हूँ, जो या फिर जिसका भी मैं फेसबुक प्रोफाइल लॉग इन करने वाला हूँ उसका जो नाम होता है वो मैं यहाँ पर यूजुअली पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं क्षितिज थोरा। ठीक है ना, ये हमारा फेसबुक का प्रोफाइल नहीं है, ये हमारा गो लॉग इन का प्रोफाइल है। ठीक है, आपने ये कर दिया। अभी ये देखो हमने जो क्विक प्रोफाइल यहां पर बनाई है गो लॉग इन के हेल्प से, उसमें इसने ऑलरेडी बहुत सी चीजें यहां पर ऑलरेडी सेटअप करके रख दी है हमारे लिए। हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, हमें बस यहां पर प्रॉक्सी डाल के हमारा प्रोफाइल हो जाएगा रेडी। ठीक है, अगर से आप खुद से करने जाओ तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये आपको ऐसे ऐसे सेटिंग्स ला के देगा जिसकी वजह से फेसबुक आपको बिल्कुल भी ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, तो आपको बस ऐड अ क्विक प्रोफाइल करना है यहाँ पर, कि कोई भी आपके नोन के लिए आप यहाँ पे नाम डाल दो। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रॉक्सी के ऊपर जाना है और यहाँ पर योर प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको प्रॉक्सी फॉरेंट से आपको आईपी खरीदनी है, तो जो भी आप आईपीस खरीदेंगे उसमें से आपको हर एक आईपी कुछ ऐसे टाइप से दिखेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये होता है गाइस आईपी, तो आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे HTTP प्रॉक्सी आप सिलेक्ट रखो, फिर आईपी एड्रेस में आप यहाँ पे प्रॉक्सी वो वाला आप पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉक्सी। उसके बाद में यहाँ पे जो ये कॉलम आता है उसके बाद में ये जो 4 डिजिट्स का यहाँ पर हमें मिल रहा है ये होता है हमारा पोर्ट, तो आप इसको कॉपी कर लो, आप इसको यहां से हटा दो और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो पोर्ट नंबर को। ठीक है, आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद में गाइस यहाँ पर हमारा लॉगिन या फिर हम यूजर नेम इसको बोल सकते हैं वो यहाँ पर आता है। ठीक है, प्रॉक्सी का, तो हमने ये कॉलम दो कॉलम के बीच का ये कॉपी कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में गाइस इसके बाद में जो भी आपको मिलेगा ये एंडिंग वाला ये होता है आपका पासवर्ड, आप इसको पासवर्ड को कॉपी कर लो यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद में आप चेक प्रॉक्सी कर लो तो आपको दिख जाएगा कि आपका इंडिया का प्रॉक्सी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अगर से कुछ गलत गलती होंगी वहां पर तो वहां पर आपको प्रॉक्सी एरर लिख के आएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये प्रॉक्सी अच्छी वाली है, मतलब वर्क कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमें ऐसा लिख के आ रहा है, आप इसको बस सेव कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आपने सेव किया देखो यहाँ पर मेरा एक जो है गो लॉग इन का प्रोफाइल बन चुका है क्षितिज थोरात नाम से, इसमें ये मेरा प्रॉक्सी भी कनेक्टेड है। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, अब मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, मैं जैसे इसको रन करूंगा तो रन करने के बाद में यू कैन सी यहां पर मेरा एक अलग से ब्राउजर खुल चुका है जो कि पूरा क्रोम ही है। ठीक है ना, लेकिन अभी बात यहां पर ये है गाइस कि ये जो आपको जो एक ये गो लॉग इन की प्रोफाइल दिख रही है ये एक प्रोफाइल नहीं है, ये एक वर्चुअल लैपटॉप है आपके लिए, एक वर्चुअल डिवाइस है, मतलब एक कम्प्लीटली न्यू डिवाइस। जैसे मेरा जो ये सेम लैपटॉप है आपको जिसपे तो बैनिंग होके पड़ी है मैंने आपको दिखा दिया, अभी इसी के अंदर मैंने क्या किया एक नया वर्चुअल लैपटॉप खोल लिया जिसका नाम है ये। ठीक है, इस वर्चुअल लैपटॉप के अंदर अभी अभी मेरा जो इंटरनेट है वो भी नया है, क्योंकि ये जो मेरा मतलब जो मेरा ऑलरेडी जो डिवाइस है जो मेरा डेल का डिवाइस है, मेरे पास जो डेल का डिवाइस है ये तो ऑलरेडी ऑफकोर्स रेस्ट्रिक्टेड है, राइट। तो अभी इसके ऊपर तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया एक वर्चुअल लैपटॉप क्रिएट कर लिया, एक वर्चुअल प्रोफाइल क्रिएट कर ली गो लॉगिन के अंदर। ठीक है, अब ये फेसबुक के नजर में कंप्लीटली एक नया डिवाइस है। ठीक है, और इस नए डिवाइस के ऊपर हमने प्रॉक्सी भी डाल दी तो कंप्लीटली नया इंटरनेट कनेक्शन भी है, तो अभी ये चीजें फेसबुक के लिए कंप्लीटली फ्रेश है। तो हमारे सामने ब्राउजर खोल गया, अभी इसके अंदर सीन क्या है, पहले तो मैं आपको कुछ एक दिन ये चीज रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मली इस पर कुछ अलग अलग ब्राउजिंग करो, जैसे आप amazon.in पे चले गए। ठीक है, यहाँ पर आपने जो भी ट्रस्टेड साइट होती है amazon, flipkart, snapdeal या फिर और भी होती है youtube वगैरह, आपने थोड़ा सा ब्राउज कर लिया। ठीक है ना, तो जो भी एक्टिविटीज है जो बेसिक एक नॉर्मल ब्राउजर वाला करता है वो आप इस पे थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, आपने कुछ क्लिक कर दिया। ठीक है ना, ऐसे टाइप से आप कर लीजिए, एक दिन हो गया। अगले दिन आपको क्या करना है गाइस, इसके अंदर आप सीधा सीधा facebook.com नहीं m.facebook.com के ऊपर जाइए। ठीक है, और facebook.com नहीं, ठीक है, m.facebook.com के ऊपर जाइए और यहां पर एक आप आपका नया अकाउंट बना सकते हो। ठीक है ना, तो न्यू अकाउंट बना के आप उसके अंदर चीजें कर सकते हो, या फिर देखो सबसे बेस्ट वे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके नोन में अगर से कोई है, आपकी मम्मी हो गई, नानी हो गई, आपके कोई फ्रेंड्स हो गए जिनको फेसबुक प्रोफाइल की जरूरत नहीं होती है, उनके फेसबुक प्रोफाइल को आप सीधा सीधा लॉग इन कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट वे होता है। या फिर अगर से अभी आपको प्रोफाइल्स नहीं मिल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप इस केस में ऐसा कर सकते हो कि आप प्रोफाइल्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब प्रोफाइल्स कहां से परचेस करना है वो मैं ऐसा पब्लिकली बता नहीं सकता हूं क्योंकि वो साइट्स भी सही नहीं होती है ऐसा पब्लिकली बताना, इसलिए वो जो साइट से जो भी ट्रस्टेबल साइट से जहां से आप फेसबुक प्रोफाइल्स परचेस कर सकते हो और सीधा यहां पे जाके यूजर ने पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके उसके अंदर एड्स रन कर सकते हो, तो वो मैंने मेरे एफबी बैन सॉल्यूशन नाम के कोर्स के अंदर बता के रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। ठीक है, बाकी अगर से आपको वैसे भी जानना है कि वो साइट्स कौन से, तो आप प्लीज जो भी आपके जिस किसी भी ग्रुप्स में आप एड्स होंगे या फिर जो भी एक्सपीरियंस ड्रॉपशिपर आपके नोन में होगा उनसे आप कॉन्टेक्ट करके एक बार पूछ लेना कि मैं मुझे फेसबुक प्रोफाइल्स परचेस करनी है तो मैं प्रोफाइल्स कहां से
परचेज करूं करके, लेकिन मैं ऐसा यूट्यूब के ऊपर पब्लिकली नहीं बता सकता क्योंकि उससे मेरे चैनल को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आपको बस कुछ भी नहीं है, आप किसी फ्रेंड फैमिली का भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, या फिर कोई फेसबुक प्रोफाइल परचेज करके यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, या फिर एक बार आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि इस प्रोफाइल के अंदर, इस ब्राउजर के अंदर हमने एक नया अकाउंट बना के नए डिटेल्स वगैरह डाल के चीजें ट्राई कर ली। लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, अगर से आप नया अकाउंट बनाने जा रहे हो तो जो इसके पहले आपका बैन वाला प्रोफाइल था उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। कंप्लीटली न्यू मोबाइल नंबर और कंप्लीटली न्यू ईमेल के हेल्प से ही आपको वो अकाउंट बनाना है। इन शॉर्ट, पहला जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट है उसकी कोई भी डिटेल्स इसमें आपको डालनी नहीं है, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो और ये प्रोफाइल सेम है करके। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद में आप लॉगिन वगैरह करके, बिजनेस मैनेजर वगैरह क्रिएट करके अपनी एड्स को फिर से रन कर सकते हो। तो ये हो गया गाइस हमारा सेटअप पार्ट। लेकिन यार देखो, जैसे ही आप आपका फेसबुक प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर लेते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सेम डे पे जाके बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट कर रहे हो, एड अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हो, पेमेंट मेथड भी ऐड कर रहे हो, पिक्सल कनेक्ट कर रहे हो और सीधा सीधा कन्वर्जन की एड्स लगा दे रहे हो डे वन पर। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे सेफेस्ट वे ये होगा कि पहले दिन आप सिर्फ आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है वो लॉग इन करके रख लो या फिर क्रिएट करके रख लो उस दिन, और अगले दिन आपको ये करना है कि अलग अलग पोस्ट के ऊपर जाना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है, आपको उसके ऊपर फेसबुक फ्रेंड्स बनाने हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके नॉन जो भी लोग होते हैं उनको आप सेंड करके रख सकते हो, इससे फेसबुक के नजर में वो पर्टिकुलर प्रोफाइल थोड़ी सी लेजिट हो जाए। इसके बाद में डे थ्री पर आप एक चीज कर सकते हो कि डे थ्री के ऊपर आप सिर्फ एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हो एंड नथिंग एल्स। उसके बाद में डे फोर पर आपको ये करना है कि उसके अंदर आप एक एड अकाउंट क्रिएट करो और उसके ऊपर एक आप पेमेंट मेथड सेटअप कर दो। आप उसके अंदर यूपीआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग आपको करना है तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करके देख लो, या फिर अगर से वो पहले ही आपको कार्ड लगाने को बोलता है तो आप उसके अंदर एक आपका कार्ड लगा दो। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रिकॉशनरी स्टेप ये लेनी है कि पहले जो आपका एड अकाउंट बैन हुआ था उसके ऊपर जो आपने कार्ड लगाया था वो सेम कार्ड आप इस एड अकाउंट के ऊपर नहीं लगा सकते, नहीं तो आपका ये वाला एड अकाउंट भी बैन हो जाएगा। तो आपको आपका जो पहला कार्ड था उसको या चाहे तो आप ब्लॉक कर दो और आपके पास में एक नया कार्ड मंगवा के आप उसको एड ऑन कर सकते हो, या फिर आपके पास अदर किसी बैंक का कार्ड होगा तो वो उसमें लगा सकते हो, या फिर अगर से आपको एक कार्ड वाला झंझट नहीं करना और अगर से आपका किस्मत अच्छा रहा और अगर से वो प्रीपेड एड अकाउंट बन गया तो उसके अंदर आप नेट बैंकिंग या यूपीआई से भी पेमेंट ऐड कर सकते। ये हो गया। इसके बाद में डे फोर के अंदर आपका फेसबुक पेज बनाओ और फेसबुक पेज को पूरा सा मतलब अच्छे से कस्टमाइज कर दो, उसमें लोगो डालो, उसमें बैनर इमेज वगैरह डालो, उसमें जितना आप डिटेल्स उस फेसबुक पेज में फिलअप कर सकते हो उतने करो। मोबाइल नंबर डालना, वेबसाइट के लिंक डालना, प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक डालना, सब कुछ जितना भी डिटेल्स आप उस फेसबुक पेज के अंदर डाल सकते हो उतने आपको उस फेसबुक पेज के अंदर डालना है। उसके बाद में डे सिक्स में आप एक पिक्सल क्रिएट कर सकते हो और डे सिक्स से आप एक एड्स रन कर सकते हो, लेकिन कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव वाली एड्स बिल्कुल रन मत करना, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव वाली एक ऐड रन कर देना, चाहे तो सिर्फ 100 रुपीज पर डे के लिए 2 दिन के लिए रन कर देना, और ऐसा करके आपका 7th डे भी हो जाए। अब पूरा ये एक हफ्ते की प्रोसेस के बाद में अगले 8 दिन से आप एक कन्वर्जन एड्स आपके उस एड अकाउंट के ऊपर लगा सकते, और अगर से आप ये पूरा स्टेप फॉलो करते हो तो आपको बैनिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन यस, इस केस में भी आपको फेसबुक की पूरी पॉलिसीज अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी। तो फेसबुक पॉलिसीज का वीडियो तो मैंने आई लिंक में दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जैसे अगर से आप कोई ग्रे या ब्लैक प्रोडक्ट चलाने जा रहे हो जिसमें न्यूट्रल वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको बैनिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसके वीडियो एड्स कैसे होने चाहिए, उसके जो प्रोडक्ट पेज वगैरह होता है वो कैसे होने चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। और एक चीज जो आपको बैनिंग से बचने के लिए ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर से आपका जो डोमेन है जो आप यूज कर रहे हो, जो भी आपका शॉपिफाई का डोमेन है, वो अगर से इसके पहले किसी एड अकाउंट पे था और वो एड अकाउंट बैन हो गया था, अब इस पे आपने लगाया और इस पे भी वो डोमेन बैन हो गया, फॉर एग्जांपल एड अकाउंट बैन हो गया डोमेन लगाने की वजह से, ठीक है ना, और बाद में थर्ड एड अकाउंट आपने सेटअप किया डिटेक्ट ब्राउजर वगैरह सब कुछ यूज करके उसमें भी बैन हो गया, तो यार आपको एक टाइम के बाद में आपका डोमेन भी जरूर चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है फेसबुक की नजर में अभी वो डोमेन ही फेसबुक ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, बट यस, जब आप सेकंड थर्ड टाइम पहले यूज कर रहे हो तो आप सेमी डोमेन यूज करो, यूजुअली वही चल जाता है, अगर से नहीं चल रहा है तो यस फिर आपको डोमेन जरूर चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें सबसे प्रिकॉशनरी चीज एक आपको जरूर बताना चाहूंगा और वो ये है कि सिर्फ एक ही प्रोफाइल के बेसिस पे, एक ही प्रोफाइल के बेस पे मत टिके रहो, 3-4 प्रोफाइल्स अपने इस एंटिटी ब्राउजर के अंदर आप लॉगिन कर रखो अलग अलग प्रोसेस के साथ। जैसे मान के चलो अगर आपकी प्रोफाइल नंबर 1 है उसके अंदर आपका बिजनेस मैनेजर आपने क्रिएट कर लिया, एड अकाउंट, सारे आपके जो एसेट्स होते हैं पेज पिक्सल्स वगैरह सब कुछ उस प्रोफाइल के अंडर में आता है, मतलब वो प्रोफाइल उनकी पूरी ओनर है, तो बाकी की जो आपके पास में सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रोफाइल है उनको आप उनके एडमिन एसेस देकर रखो, और कभी भी ओनर की प्रोफाइल से आप आपके एड्स वगैरह मैनेज नहीं करोगे। जिनको आपने एडमिन एसेस देकर रखा है, जो रिमेनिंग 2-3 प्रोफाइल्स आपके पास में है, उनकी हेल्प से जो होता है आप आपके एड्स मैनेज करो। आपको फायदा ये होगा कि अगर से आपका कभी जो आप सेकंड प्रोफाइल यूज कर रहे हो आपके एड्स मैनेज के लिए फॉर एग्जांपल, तो अगर से वो पर्सनल एड अकाउंट लेवल पे वो वाली प्रोफाइल बैन भी हो जाती है तो फिर भी आपके जो बाकी के बिजनेस एसेट्स है वो सेफ रहेंगे और आप थर्ड या फोर्थ प्रोफाइल की हेल्प से आप आपके वो बिजनेस
ऑडियंस एक्सेस मैनेज कर सकोगे और किसी को भी आप और एसेस दे सको। तो ये सबसे सेफेस्ट वे होता है फेसबुक एड्स को रन करने का। सो एनीवेज गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर से आपको 40% ऑफ का डिस्काउंट कोड चाहिए और लिंक चाहिए तो मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने एक लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आपको साइन अप वगैरह कर लेना गोलॉगिन के अंदर। और उसके बाद में जो है जब आपको पेमेंट की बात आएंगी तो वहां पर आपको कूपन कोड डालना है क्षितिज40। जैसे आप कूपन कोड डालोगे जो भी आप प्लान लोगे उसमें आपको 40% ऑफ का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास में पूरा एक फेसबुक बैन का जो सॉल्यूशन होता है वो आ चुका है। तो अभी आपको फेसबुक बैनिंग से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए जो कि इंडियन ई-कॉमर्स, इंडियन ड्रॉपशिपिंग या फिर फेसबुक एड्स के ऊपर होते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।